गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो इसी ऑयली हेयर के हेयर में मैं आप लोग को इस क्लचर की मदद से फ्रेंच बन बनाने के लिए बताऊंगी, जो कि बहुत ही ईजिली बना लोगे और बहुत ही खूबसूरत सा बन आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसके पतले हल्के बाल हैं वो इस बड़ा एक बड़ा वाला क्लचर लेना। अक्सर मतलब पतले हल्के बालों में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि बड़ा क्लचर का यूज़ कैसे करें, तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पतले हल्के बालों में ये क्लचर की मदद से फ्रेंच बन बनाइए, वो भी बहुत स्टाइलिश और बहुत ही आसानी से आपके पतले हल्के बालों को हैवी लुक देगा ये क्लचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा मेरे ऑयल को। आप ये फ्रेश हेयर के साथ भी बना सकते हो ये हेयर स्टाइल, तो हेयर वॉश किए हैं, अच्छे हेयर हैं तो भी बना सकते हो, तो बट मैंने वॉश नहीं किया, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है गाइस, तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड एंड हेयर स्टाइल को इन्जॉय कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है। ओके, आपको डे बाय डे मेरे चैनल पे इसी तरीके की यूनिक एंड इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने को मिलते रहती है। ऑल टाइप हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोनी बना ली है। पोनी बनाने के बाद से हेयर को थोड़ा सा लूज करना है, पोनी टेल को अपने एक फिंगर इंसर्ट करना है, फिर उसी फिंगर के साथ दूसरा इस तरीके से लूज करने के बाद से एक हॉल बना लेना है यहाँ पे, इस तरीके से हॉल बना के दोनों फिंगर इंसर्ट करना है इस तरीके से। एंड ध्यान दीजिएगा इन फिंगर के बीच में कोई हेयर ना रहे। उसके बाद से अपने पोनी टेल के सारे हेयर को इन दोनों फिंगर के अंदर इस अच्छे से इंसर्ट कीजिए और इसको खींच लीजिए। खींचने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक अच्छा सा वॉल्यूम आ गया है। उसके बाद आपको क्लचर लगा लेना है जस्ट इसी पोनीटेल के ऊपर, ये हेयर है इसको ऐसे पकड़ के उसके बाद से क्लचर लगाना है। अच्छे से क्लचर को स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपको इधर से इस तरीके से करके देखना है जिससे कि आपका जो हेयर है वो अच्छे से आपके क्लचर को हाइड कर पाए। ओके, इस तरीके से करने के बाद से अब आपको यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड लगाना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद से सारे हेयर को अच्छे से इंसर्ट कर लेना है अंदर की तरफ, ताकि आपके बाल पतले हैं तो वो भी उससे भी क्लचर आपका हाइड हो जाएगा, हेयर आपके अंदर की तरफ रहेंगे तो। फिर अच्छे से कवर करना है, अगर आपका हेयर थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इस तरीके से रबड़ बैंड को लूज करना है, देन सॉरी क्लचर को इस तरीके से ओपन करना है और रबड़ बैंड को क्लचर के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करके अगेन क्लचर को लगा देना है और ये आपका ब्यूटीफुल सा फ्रेंच बन बन के रेडी हो जाएगा आपके पतले हल्के बालों में। एंड आप चाहो तो यहाँ पे एक ब्लैक क्लचर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि जिस कलर का आपका हेयर हो उस कलर का क्लचर यूज करोगे तो आपका क्लचर अच्छे से हाइड होगा एंड दिखता होगा तो वो भी नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा इजी ओनली वन क्लचर की मदद से पतले हल्के बालों में इतना हैवी एंड बड़ा सा फ्रेंच बन बना के रेडी कर। एक चीज़ और, इधर से तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आया, इधर से आपका इस तरीके से हेयर दिख रहा है, तो आप इस तरीके से कॉम करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कोई फ्लावर वाला यूपिन लगा दीजिएगा जिससे कि आपके बन को और भी अच्छा लुक और पार्टी वियर बन जाएगा आपका बन। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।